प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वरकातुहू। इसके पहले के लेक्चर में हमने डायमेंशन पर दो तीन लेक्चर हमारे जो है वो डायमेंशन पर हुए, जिसके अंदर में हमने डायमेंशन की तारीफ देखी, डायमेंशन किस तरीके से मालूम किए जाते हैं वो हमने देखा, उसी तरीके से डायमेंशन के जो कवानीन है लिखने के वो हमने देखे, और डायमेंशन के तीन इस्तेमालात थे जो हमने देखा और उसको साबित भी किया। जैसा कि तीन इस्तेमालात के अंदर में हमने देखा कि डायमेंशन के जरिए, इबाद के जरिए जो है एक निज़ाम की इकाई को दूसरे निज़ाम की इकाई में तब्दील किया जा सकता है, उसी तरीके से इबाद का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ तबई मिकदारों के दरमियान में ताल्लुक कायम किया जा सकता है। और एक जो इस्तेमाल हमने देखा वो ये कि मसावत के सहीपन की जांच की जा सकती है। तो किसी भी तबई मिकदार या किसी भी चीज के अंदर में जहाँ इस्तेमालात है, जहाँ उसके फायदे हैं, उसी तरीके से उसके कुछ लिमिटेशंस, उसको कुछ जो है महदूदगी भी होती है। जैसा कि हम समझ लो, जब मुख्तलिफ तबई मिकदारों के दरमियान में ताल्लुक कायम कर रहे थे तो एक मसावत हम ये देखते हैं कि टी इज इक्वल टू टॉइस पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये जो है सादा रकास के दौर की मसावत है। तो यहाँ पर ये जो टॉइस पाई है, ये टॉइस पाई के जगह पर जो है साबित करने के लिए हमने ये के लिया था, तो ये के की वैल्यू हम उसके जरिए नहीं निकाल सके। इबाद का इस्तेमाल करते हुए हम के की वैल्यू जो है मालूम नहीं कर सके। तो इससे ये कि वो जो के की वैल्यू है वो टॉइस पाई आती, टॉइस पाई होती है, ये तजुर्बा से फिर हमने देखा। उसी के नेस्त पर ये पहला पॉइंट है, जैसा हम जो देख रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, यानी जो आबादी जो मसावाते हैं, आबादी जो तज्जिया है, आबादी तज्जिये की महदूदगी, इसका किस तरीके से लिमिटेशन है, हर जगह ये काम नहीं करते। आबादी मसावात या फिर आबादी तज्जिया हर जगह काम में नहीं आता, वो यहाँ पर दिखाया गया है। तो पहले पॉइंट के हम अंदर हम ये देख रहे हैं कि गैर आबादी मुस्तकिल, गैर आबादी मुस्तकिल की कीमत, गैर आबादी मुस्तकिल की कीमत सिर्फ तजुर्बात की मदद से ही मालूम की जा सकती है। जैसा कि यहाँ पर ये जो एक्चुअल मसावत है सादा रकास के दौर की मसावत, वो इस तरह है कि टी इज इक्वल टू टॉइस पाई अंडर रूट एल बाय जी, ये इस तरीके से मसावत है। तो यहाँ पर ये जो के है ये गैर आबादी मुस्तकिल है, मतलब ये है कि इस मुस्तकिल को आबाद नहीं है। जैसे कुछ कुछ जो मुस्तकिल है उन्हें आबाद होते हैं, जैसा कि कैपिटल जी जो हमने इसके पहले के क्लासेस के अंदर में देखा, 10th क्लास के अंदर भी हमने देखा कि ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जी, तो जिसकी वैल्यू हमने देखी थी कि वो 6.67 × 10⁻¹⁻ N·m² / kg². तो इस बेस पर हमने जो है इसके आबाद हम मालूम कर सकते हैं, मतलब माना कि ये जो जी है वो मुस्तकिल है, यहाँ पर के मुस्तकिल है, लेकिन इस जी के जो है वो आबाद है और इस के आबाद नहीं है। इस के आबाद नहीं है, इस लिहाज से इस मुस्तकिल को गैर आबादी मुस्तकिल कहते हैं। ठीक है, तो गैर आबादी जो मुस्तकिल है, ये गैर आबादी मुस्तकिल, इसकी कीमत जो है सिर्फ तजुर्बात की मदद से ही मालूम की जा सकती है, तजुर्बे से ही हासिल की जा सकती है, ना के इबाद का इस्तेमाल करते हुए या आबादी तज्जिये का या आबादी मसावत का इस्तेमाल करते हुए इस गैर आबादी मुस्तकिल की कीमत मालूम नहीं की जा सकती।
इस तरीके से ये हमारा पहला पॉइंट था लिमिटेशन का। उसी तरीके से आइए हम अब देखते हैं कि ये लिमिटेशन का दूसरा पॉइंट क्या है। देखिए, इबादी तज़िये के जरिए वो मसावत हासिल नहीं की जा सकती जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शन हो। जैसा जिस मसावत के अंदर में ये फंक्शन हो, ये तफाउल हो, वो मसावत हासिल नहीं की जा सकती। जैसा मिसाल के तौर पर हम ये देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, इस तरीके से काम मसावत हम लेते। तो इसके अंदर में हम ये देख रहे हैं कि ये जो साइन है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 6 है, साइन है, कॉस है, टैन है, कोसेक है, सेक है और कॉट है। उसी तरीके से ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मतलब ये है कि आबादी तज्जिए के जरिए हम ये मसावात हासिल नहीं कर सकते y is equal to a sin omega t। तो यहां जैसे यहां साइन है, उसी तरीके से अगर वो फंक्शन जो है ये इस तरीके से हो कोई मसावत के x is equal to a log x, ऐसा कुछ तो भी एक मसावत हो कि जिसके अंदर में ये log फंक्शन आया हुआ है, तो जिस मसावत के अंदर में ट्रिग्नोमेट्रिक या लॉगरिथमिक या फिर समझ लो एक्सपोनेंशियल यानी जैसा e टू द पावर समथिंग कुछ तो भी अगर इस तरीके से है, तो हम इबादी तज्जिए के जरिए ये मसावत हासिल नहीं कर सकते। उसी तरीके से आइए अब तीसरा पॉइंट देखते हैं कि अगर तनासुब का मुस्तकिल गैर आबादी मिकदार हो तो ये तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर तनासुब का जो मुस्तकिल है, जैसा कि मैंने वहां जो जी बताया था वो तनासुब का मुस्तकिल था कैपिटल जी, जिसे मैंने ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहा। तो अगर तनासुब का मुस्तकिल गैर आबादी हो, अगर तनासुब का मुस्तकिल गैर आबादी हो तो ये जो तरीका है यानी आबादी तज्जिया, इस तरीके का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। आइए चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि अगर मसावत में मसावी इबाद वाली दो मिकदारे हो तो इस मसावत में इसकी मौजूदगी मालूम करना नामुमकिन है। फिर से देखिए, अगर मसावत में मसावी इबाद वाली मसावी आबाद वाली दूसरी मिकदार हो, एक के अलावा दो तीन मिकदार के उसके अंदर मसावी आबाद वाली हो एक ही मसावत में, तो उनकी मौजूदगी मालूम करना नामुमकिन है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमने ये देखा कि जब हम मसावत के सहीपन की जांच कर रहे थे, हमने इस मसावत का इस्तेमाल किया v इज इक्वल टू यू जमा ए टी, इसका इस्तेमाल हमने किया। ठीक है, अब यहां ये जो है ये हरकत की पहली मसावत है, इसे फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन कहा जाता है। तो अब यहां देखिए कि ये जो v है ये आखिरी रफ्तार था, फाइनल वेलोसिटी को जाहिर कर रही थी v, और ये जो u था वो इनिशियल वेलोसिटी को जाहिर कर रहा था। तो यहां पर जब ये दोनों भी जो है वेलोसिटी यानी दोनों रफ्तार को जाहिर करते हैं, तो इन दोनों के जो आबाद है वो एक जैसे रहेंगे। और अगर ये दोनों के आबाद एक जैसे हो, जैसा कि यहां जो हमने इसके लिए आबाद निकाले थे वो इस तरह स्क्वायर ब्रैकेट में एल एम टी, इस तरह हमने आबाद जो है इसके हासिल किए थे, और यहां ये निकालने के बाद हमने ये देखा था टॉइस
यहां देखिए, अब अगर मैं ये इसके अबाद मान लूं तो इसके गायब है, या फिर यू के अबाद इसे मान लिया जाए तो फिर एटी इसके अबाद गायब है। तो इस लिहाज से ये चौथा पॉइंट यहाँ पर क्लियर होता है कि अगर मसावात में मसावी अबाद वाली दो मिकदारें, कम से कम दो और ज्यादा से ज्यादा तो और समझ लो चलेंगी, तो यहाँ अगर एक मसावी अबाद वाली कम से कम दो मिकदारें हो तो उसमें उनकी मौजूदगी मालूम करना जो है वो नामुमकिन होती है। इस तरीके से ये चार लिमिटेशन हमने यहां पर देखे। आइए अब हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है,